दोस्तों नॉइज़ कंपनी ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है अपना ट्रू वायरलेस ब्लूटूथ ईयरबड्स जिसका नाम है नॉइज़ शॉर्ट्स रस। दोस्तों इस ईयरबड्स की खास बात यह है कि इसमें आपको 3 इक्वलाइजर मोड देखने के लिए मिल जाते हैं, रॉक, पॉप और क्लासिक। और दोस्तों अगर आप गेमिंग करते हैं तो इसकी लेटेंसी बहुत ही कम है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में और इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों ये है नॉइज़ कंपनी का नॉइज़ शॉर्ट्स रस ईयरबड्स का कंप्लीट बॉक्स। दोस्तों बॉक्स के फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का ईयरबड्स देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करें बैक साइड की तो यहाँ पर आपको कुछ खास फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि सिक्योर स्पोर्ट्स फिट ईयर हुक्स, लो लेटेंसी मोड, 6 आवर प्ले टाइम, फुल टच कंट्रोल, IPX5 वाटर असिस्टेंट, 3 इक्वलाइजर मोड्स। तो ये सभी कुछ खास फीचर्स इस ईयरबड्स के बारे में बताए गए हैं। तो चलिए इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। तो इस बॉक्स को ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको बॉक्स के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों इस पैकेट के अंदर ऊपर ही आपको एक कार्ड देखने के लिए मिल जाता है जिस पर लिखा गया है कि अगर आप नॉइज का अगला प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको 200 रुपये का ऑफ मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगला यूजर मैनुअल दिया गया है, तो बात करें अगर यूजर मैनुअल की तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आप किस तरह से नॉइज़ रस ईयरबड्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप दी गई है। अगर बात करें इस साइड की तो बैक साइड भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर अगला आपको एक कार्ड मिलता है जिस पर बताया गया है कि आप किस तरह से नॉइज रस प्रोडक्ट को अपने मोबाइल से पेयर कर सकते हैं और किस तरह से आप रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक एल्कोहल पैड दिया गया है जो कि वन टाइम यूज है और आज के टाइम पर ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों इस बॉक्स के अंदर आपको नॉइज रस का चार्जिंग केस देखने के लिए मिलता है, तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। और इसके अंदर आपको और भी कुछ देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि अगर इसके अंदर देखें तो आपको क्या देखने के लिए मिलता है, ये देखिए ईयर टिप्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पर USB केबल दिया गया है जो कि माइक्रो USB केबल है जिससे कि आप चार्जिंग केस को चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों ये है नॉइज़ शॉर्ट्स रस का चार्जिंग केस जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है और इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी की गई है। यहाँ पर आपको माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है जहाँ से आप इस चार्जिंग केस को चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ अगर आप चार्जिंग केस के ऊपर देखें तो नॉइज़ की ब्रांडिंग की गई है। अब दोस्तों इस चार्जिंग केस को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर की डिज़ाइन कैसी है। तो चलिए इस चार्जिंग केस को ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डिजाइन देखने के लिए मिलेगा जो कि काफी प्रीमियम लुक देता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको कुछ इस तरह के ईयरबड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इन्हें मैं निकाल करके साइड में रख देता हूं और इसको भी मैं साइड में रख देता हूं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको चार्जिंग पिन दिया गया है दोनों साइड में, आप इन ईयरबड्स को यहाँ पर रख करके चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों ये है नॉइज़ शॉर्ट्स रस ईयरबड्स जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। दोस्तों बात करें डिजाइन की तो आप देख सकते हैं डिजाइन काफ़ी प्रीमियम है और यह ईयरबड्स आपको 3 कलर में देखने के लिए मिल जाते हैं। जो आप अभी देख रहे हैं ये है क्विक सिल्वर कलर, और भी आपको 2 कलर में यह ईयरबड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, एक है चारकोल ब्लैक और दूसरा है वाइन रेड। दोस्तों अगर आप रनिंग करते हैं, जिम करते हैं या फिर गेम खेलते हैं तो यह ईयरबड्स आपके लिए सुपर सिक्योर और कंफर्टेबल है। और दोस्तों इस ईयरबड्स की एक खास बात यह है कि इसमें आपको ईयर हुक देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप किसी और कंपनी के ईयरबड्स यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में डर सा बना रहता है कि कहीं मेरा ईयरबड्स कानों से गिर न जाए, लेकिन इस ईयरबड्स की खास बात यह है कि ये आपके कान से चिपका रहेगा और जब तक कोई आपके कान से इसे खींच करके नहीं निकालता है तब तक यह ईयरबड्स आपके कानों से नहीं गिरने वाले हैं, यानी कि पूरी तरह से सिक्योर रहेगा और अगर आप इसे यूज करें तो कंफर्टेबल फील होगा। इस ईयरबड्स के चार्जिंग
पॉइंट पर एक फिल्म लगा हुआ है, तो इसे आप निकाल दीजिएगा, और दोनों चार्जिंग पॉइंट्स पर फिल्म लगे होंगे तो आप इन दोनों फिल्म्स को निकाल दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ से फिल्म रिमूव करने के बाद इस ईयरबड्स को आप चार्जिंग केस में डाल करके चार्ज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको चार्ज करना है। तो आपको इस तरह से इस चार्जिंग केस में ईयरबड्स को डालना है और इसके बाद देखिए आपका ईयरबड्स चार्ज होना शुरू हो गए। तो इस तरह से आपको बंद कर देना है, आपका ईयरबड्स चार्ज हो जाएंगे। इसके बाद आपको इसे चार्जिंग केस से निकाल लेना है, इस तरह से निकाल लीजिएगा। और देखिए ये है आपका राइट ईयरबड्स और ये है लेफ्ट ईयरबड्स, तो आपको इन दोनों को ऐसे पास में रखना है और कुछ ही सेकेंड में ये वाला जो लेफ्ट का ईयरबड्स है राइट वाले से कनेक्ट हो जाएगा और ये आपका प्राइमरी ईयरबड्स बन जाएगा। अब चलिए मैं इन ईयरबड्स को अपने फ़ोन से पेयर करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं, इसके बाद हमें न्यू पेयर करना होगा, तो पेयर न्यू डिवाइस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए शॉर्ट्स रस बहुत ही फास्ट काम करता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और देखिए यह ईयरबड्स आपके फ़ोन से पेयर हो जाएंगे। तो कितना आसान है, देखिए ईयरबड्स आपके फ़ोन से पेयर हो चुके हैं और देखिए अभी आपकी बैटरी 100% फुल है। दोस्तों इस ईयरबड्स में आपको कोई बटन नहीं दिया गया है, बल्कि यहाँ पर आपको टच पैड दिया गया है जिससे कि आप इस ईयरबड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक मैंने म्यूजिक सेलेक्ट किया हुआ है, तो इस म्यूजिक को यहाँ पर मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो प्ले करने के लिए आपको यहाँ पर सिंगल टैप कर देना है, यह म्यूजिक प्ले हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपको स्टॉप करना है तो यहाँ पर टैप कर देंगे तो यह म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा। अगर आप राइट ईयरबड्स के टच पैड पर दो बार क्लिक करते हैं तो आप वॉल्यूम को इनक्रीज कर सकते हैं, और अगर आप लेफ्ट ईयरबड्स के टच पैड पर दो बार क्लिक करते हैं तो आप वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको और भी टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं, तो अधिक जानकारी के लिए आप इस यूजर मैनुअल को पढ़िएगा, यहाँ पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों अगर बात करते हैं इस ईयरबड्स के लेटेंसी की, तो दूसरे ईयरबड्स के मुकाबले इस ईयरबड्स की लेटेंसी बहुत ही कम है, लगभग 85 ms इसकी लेटेंसी है, और मुझे लगता है कि दूसरे ईयरबड्स के मुकाबले इसकी लेटेंसी बिल्कुल कम है, यानी कि अल्ट्रा लो लेटेंसी है और आपको गेम खेलने में बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों इस ईयरबड्स में आपको 3 इक्वलाइजर मोड देखने के लिए मिल जाता है, रॉक, पॉप और क्लासिक, यानी कि जो आपको म्यूजिक सुनने का आनंद मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। दोस्तों अगर आप स्पोर्ट्स करते हैं, रनिंग करते हैं, जिम करते हैं, तो आपके कान के पास काफी ज्यादा पसीना होता है, तो अगर आप किसी ईयरबड्स को यूज कर रहे हैं तो वह ईयरबड्स भीग भी सकता है। लेकिन दोस्तों ये जो नॉइज का शॉर्ट्स रस ईयरबड्स है ये वाटर प्रूफ IPX5 रेटेड है, यानी कि अगर आपका ईयरबड्स पसीने से भीग जाता है या फिर हल्की बारिश में भी भीग जाता है तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। दोस्तों अगर बात करें चार्जिंग कैपेसिटी और बैटरी कैपेसिटी की, तो अगर आप इस चार्जिंग केस को एक बार चार्ज कर देते हैं, वैसे इस चार्जिंग केस को चार्ज करने में लगभग 2 घंटे का टाइम लगता है, तो अगर आप इस चार्जिंग केस को एक बार चार्ज कर देते हैं तो आप ईयरबड्स को इस चार्जिंग केस से लगभग 3 या 4 बार चार्ज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप एक बार अपने ईयरबड्स को चार्ज कर देते हैं तो आपका ईयरबड्स आपको लगभग 6 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक टाइम देने वाला है, और दोस्तों अगर टोटल टाइम की बात करें तो आपको लगभग 24 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से काफी बेहतर है। और दोस्तों अगर बात करें स्टैंड बाय की, तो आपको लगभग 100 घंटे का स्टैंड बाय टाइम मिलने वाला है। दोस्तों इस ईयरबड्स को काफी टाइम तक यूज करने के बाद मैं आपको बताता हूं कि इसमें मुझे क्या क्या अच्छा लगा, और पर्सनली मैं इस ईयरबड्स को यूज करने वाला हूं। दोस्तों मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी इसकी साउंड क्वालिटी, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ आप किसी अच्छे ईयरबड्स को यूज कर रहे हैं। दूसरी बात कि अगर आप किसी ईयरफोन से गाने सुनते हैं या फिर हेडफोन से गाने सुनते हैं तो आपके कान का बाहरी हिस्सा या अंदर का हिस्सा दर्द करने लगता है, लेकिन अगर आप इस ईयरबड्स को यूज करके म्यूजिक सुनते हैं या इस ईयरबड्स को काफ़ी देर तक भी यूज करते हैं तो आपको कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं लगेगी।
एक और बात मुझे पसंद आई कि अगर आप धीरे धीरे बात करते हैं कॉल पर, कॉल करके अगर आप धीरे धीरे बात करते हैं, तो इसमें जो माइक्रोफोन है इतना तगड़ा है कि अगर आप धीरे धीरे भी बोलेंगे, जैसे कि हेलो, इस तरह से भी अगर आप बोलेंगे, तो जिससे आप बात कर रहे हैं उसको आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर सुनाई देगी। मतलब कि कॉल करने के लिए भी यह ईयरबड्स बहुत ही अच्छा है। मुझे पर्सनली पसंद आया है तभी मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं इसे पर्सनली यूज भी करने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर आप गेम खेलते हैं, आप गेमिंग करते हैं, तो ये ईयरबड्स आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि इसकी जो लेटेंसी है बहुत ही लो है, अल्ट्रा लो लेटेंसी है। एक और बात मुझे अच्छा लगा कि ये वाटरप्रूफ है, तो अगर कभी पसीने से भीग जाता है या फिर हल्की बारिश में भीग जाता है तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 3,999 रुपये। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसे Amazon, Flipkart या फिर Noise की वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, मैंने थोड़ा सा सेटअप में भी बदलाव किया हुआ है, तो अगर आपको एक नया सेटअप पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक तो कीजिएगा ही, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हमारा नया सेटअप आपको कैसा लगा। हालांकि मैंने नए सेटअप में कुछ ऐड नहीं किया हुआ है, ये मेरे पास पहले से ही है, लैपटॉप मेरे पास पहले से ही है, चेयर मेरे पास है और ये टेबल है, तो सब कुछ पुराना, ये थोड़ा सा मैंने बस इधर से उधर किया है, थोड़ा सा मैंने बदलाव किया है। तो अगर आपको ये नया सेटअप पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।